जीवन में जो इंसान दूसरों से हटकर अच्छा काम करता है वही खुद के लिए और समाज के लिए कुछ नया कर पाता है। अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कुछ दोस्तों ने मिलकर स्माइल रोटी बैंक बनाया है। स्टेशन पर भीख मांगने वाले बच्चों को एक उम्मीद बनकर आई है। ये तस्वीर गोरखपुर के रेलवे स्टेशन की है। इस घड़ी में जब रोज दिन के 3 बजते हैं तो यहाँ नजारा कुछ ऐसा होता है। डमरू और झाल की आवाज से यहाँ दर्जनों बच्चे खींचे चले आते हैं। बच्चों को पहले कसरत कराई जाती है, फिर खेल खेल में पढ़ाया जाता है और फिर रोटी भी खिलाई जाती है। स्टेशन पर भीख मांगने वाले बच्चों की जिंदगी में नई उम्मीद जगाने का बीड़ा उठाया है गोरखपुर के रहने वाले आजाद ने। इन्होंने अपने इस मुहिम का नाम दिया है स्माइल रोटी बैंक। बार बार फेल हो जा रहे थे बच्चे, मेरे पास आ नहीं पा रहे थे। आप किसी भी शहर में किसी कूड़े वाले बच्चे के पास कूड़ा लिए हुए उसको देखेगा, उसे पूछिए कूड़ा कितने का, तो कहेगा 30 रुपए का। आप उसको 30 रुपए देंगे आपको कूड़ा नहीं देगा, क्योंकि वो किसी न किसी चैनल के थ्रू ही कूड़ा बीनता है, किसी न किसी चैनल में ही भीख मांगता है। तो ऐसे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हमने रोटी का शब्द जोड़ा है। स्माइल रोटी बैंक नशे की बेड़ियों में जकड़े इन बच्चों की जिंदगी से आजाद कराने के लिए पीछे भी एक दास्तां है। आजाद के मुताबिक जब वो साल 2006 में इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे तभी उन्होंने स्टेशन पर कुछ बच्चों को नशा करते हुए देखा। इसके बाद आजाद इन बच्चों की जिंदगी सुधारने के लिए अपनी LLB की पढ़ाई छोड़ती है। नशे की आदि हो चुके इन बच्चों को इकट्ठा करना मुश्किल था। शुरुआत में आजाद को इन बच्चों से नशे की तस्करी कराने वालों से धमकियां भी मिली, लेकिन फिर भी आजाद ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। 12 सितंबर 2015 को जोड़ा है और तब से ये बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं, उसी के लालच में बैठे रहते हैं और 3 घंटा इनको पढ़ा पाते हैं। कितने 100 के आसपास हमारे पास बच्चे टच हैं। 2 साल से 17 साल तक के बच्चों पर मैं काम कर रहा हूँ। काफी बच्चे आपको यहाँ बैठे मिल जाएंगे जो अभी 1 से 2 साल में ही है। पहले तो इन्होंने स्टेशन के 2-4 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन आज करीब 70 से 100 बच्चे आजाद के पास पढ़ने आते हैं। बच्चों में पढ़ाई की लगन बनाए रखने के लिए इनको खाना भी खिलाया जाता है। आजाद अपने दोस्तों के साथ बिना किसी सरकारी मदद के बिना स्माइल रोटी बैंक चलाते हैं। आजाद का सपना है कि आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्सों में भी बच्चों की जिंदगी सुधर सके। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।